हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर आ गए हैं आलू का पराठा एकदम देसी स्टाइल में। आपने पराठा तो बहुत खाया होगा, सबने खाया होगा, लेकिन सबने वही सूखे मसाले डाल के खाया होगा। लेकिन आज हम बनाएंगे, सूखे मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हम हरे मसाले का यूज़ करके आपको पराठा बनाएंगे अपने गाँव के स्टाइल में पराठा। तो देखिए इस तरीके से, हमारे बेटे को तो बहुत पसंद आता आलू पराठा बनवाएंगे, ऊपर से ये बटर डलवा खाती हैं। और हमारे यहाँ गांव में स्पेशल खीर भी बनती है। ऐसे हम हमारे यहाँ गांव में जब आलू का पराठा बनता है, या तो चावल की खीर बने या सेवइयाँ बने, तभी पराठा बनता है। और यहाँ तो शहर में तो खा लेते हैं दही से या अचार से, बट गांव में ऐसा नहीं है। गांव में खीर बनता है ज़रूर, तो हम गांव के स्टाइल में बना रहे हैं। हम शहर में भले रहने लगे हैं, लेकिन हम अपना गांव का खान पान भूल ही नहीं पाते, क्योंकि गांव की रेसिपी ज़्यादा मज़ेदार लगती है मुझे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल दिल से बाई भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो जो हमारे वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आलू का पराठा बनाना शुरू करते हैं। आप भी बने रहिए वीडियो में। तो बिना देर किए हम आलू का पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले रख दिया है बॉयल होने के आलू। यहाँ हमारा आलू बॉयल हो रहा है, तब तक हम देखो यार लहसुन है, हमारे खेत का लहसुन, हरा लहसुन है। ये धनिया बहुत सारा ले लिया। मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद है। तो यहाँ मैं ले लिया सिलबट्टे, सिलबट्टे पीसेंगे, मिक्सी में बिल्कुल नहीं पीसेंगे। अगर चटनी गीली हो जाएगी तो आपका पराठा बनेगा नहीं, फिर मत कहना कि हमसे बना नहीं पराठा। और यहाँ पर डाल देंगे नमक, नमक डालने से यह होगा जल्दी पीस जाएगा ये। तो हमने नमक डाल लिया है, मिर्ची ले लिया, इन तीनों चीज़ों को नमक डाल के हम अच्छे से पीस लेंगे। सूखा ही पीसना है, इसमें पानी नहीं डालना है। देखिए इस तरीके से हमें चटनी को पीस लेना है। और यहाँ क्या बनाते हैं, आपको हल्दी, हल्दी मिर्ची नमक सब ड्राई वाला डालते हैं, हम यहाँ पर डाल रहे हैं पूरा धनिया, हरा चीज़। गांव के स्टाइल में बना रहे हैं पराठा, तो देखिए हम चटनी को फटाफट पीस लेंगे। देखिए यहाँ पे हम चटनी को दो बार पीस लेते हैं ताकि जो दरदरा हो। यहाँ हमारी चटनी पीस चुकी है और इसको हम एक बर्तन में उठा लेंगे चटनी को। देखिए इस तरीके के, हमने यहाँ पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करा है, बस धोया था हमने। इस तरीके सूखा पीसना है, आप चाहे तो ड्राई करके और इसको सुखा के पीस सकते हैं। तो हमारी चटनी पीस गई है, आलू बॉईल हो रहा है, तब तक हम यहाँ आटा लगा लेते हैं। इसको अच्छे से हम आटा को गूंथना शुरू करते हैं। देखिए इस तरीके से, ये है गेहूँ का आटा। गेहूं के आटे को हमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक गूंथना है। इसको देखिए हमारा यहाँ पे आटा गूंथ चुका है, 10 से 15 मिनट हो गया। देखिए यहाँ हमारा आटा गूंथ के रेडी हो गया है। आटा हमारा अच्छे से गूंथ गया है और देखिए आपको दिखाते हैं पास से। अब इसको रखते हैं साइड में। हमने चटनी पीस लिया और आटे गूंथ लिए, इतने हमारा आलू भी हो गया है। कुकर से आलू को बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से, और इसको आलू को हम छील लेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे इस तरीके से। अब ये आलू नया है तो इसलिए इसका छिलका बहुत पतला है, बहुत केयरफुली उतारना पड़ता है। और हो सके तो इसको ठंडा करके ही हाथ से निकालिएगा, नहीं तो आपका हाथ भी जल सकता है। इस तरीके से हम दूसरा आलू भी छील लिए हैं और सभी आलू को इस तरीके से छील लेंगे। देखिए सभी आलू को हमने छील लिया है। अब इसको एक फॉक की हेल्प से हम मैश कर लेंगे। फॉक से बहुत अच्छा मैश हो जाता है, गरम आलू होता है तो बहुत अच्छे से फूट जाता है। इस तरीके से सभी आलू को हम तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद अच्छे से मैश कर लेंगे। आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं या मैशर की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आलू को मैश कर लिया है, अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हाफ टेबल स्पून अजवाइन ले लिया है, हाफ टेबल स्पून जीरा ले लिया है, दो चुटकी हींग ले लिया है। हींग को हम सबसे पहले स्पून में निकाल लेंगे। देखिए तो इसको हम ले लिया है। इन सभी तीनों चीज़ों को हम तवा पे गरमाएंगे। देखिए तो तवा गरम कर लिया है यहाँ पे, और तीनों चीज़ को अच्छे से हम कर लेंगे रोस्ट।
देखिए यहाँ पे तीनों चीज़ अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इनको हम उतार लेंगे, एक प्लेट में कपड़े की हेल्प से ट्रांसफ़र कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। और इसको ठंडा करने के बाद इसको हम अच्छे से पीस लेंगे, चाहे सिलबट्टे पीस लीजिए चाहे चकवा बेलना पीस लीजिए, हम यहाँ चकले और बेलना से पीस रहे हैं। पीसने के बाद एक बर्तन में उठा लेंगे, देखिए इस तरीके से। यहाँ पे हम सभी तीनों चीज़ों को पीस लिया है और ये हम मैश किए आलू में डाल देंगे। और जो चटनी हमने पीसी थी इसका पानी नहीं डालना है, नहीं तो गीला हो जाएगा, फिर आपका पराठा बनेगा नहीं, फिर कहोगे कि मेरा पराठा बने नहीं। अगर आपका पानी जैसे चल गया चटनी में, जल्दी में आपने डाल दिया है, तो एक है ट्रिक है, क्या नाम है, आप 10 मिनट लिए फ्रीजर में इसको रख दें, 10 मिनट बाद ये टाइट हो जाएगा, फिर आपका पराठा इजली बन जाएगा अगर कभी गीला हो गया तो। अदरवाइज़ आप ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और इन सभी को अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। ठंडा होने के बाद आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं, देखिए आलू ठंडा हो गए हैं थोड़े, तो हम यहाँ हाथ से भी मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद देखिए हम आपको दिखाते हैं, देखिए अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है। अब हम पराठा हम बनाने के लिए रेडी हो गया, हम सब चीज़ें रेडी कर लिए हैं। एक तरफ हमारी खीर बन रही है इधर, और इधर हम तावा रख के अपना पराठा बनाना शुरू करते हैं, देखिए इस तरीके से। पहले हम इसको गोल गोल करेंगे, फिर इसको एक क्या नाम है कटोरी का शेप देंगे, देखिए इस तरीके से। और इसमें फिलिंग को फिल करेंगे जो बनाया है। आप यकीन मानिएगा पराठा इतना टेस्टी, इतना डिलीशियस बन के रेडी होता है, अगर आपने एक बार खा लिया अपने आपको रोक नहीं पाएंगे दोबारा खाने के लिए। मेरी बेटी ने भाई मैंने आज बनाया, फिर परसों बोले मम्मी आज पराठा बना देना, और पराठा वैसे नहीं खाती हैं जब तक बिना बटर का। पराठा ताव पर से उतरे और उनको गर्मा गर्म पराठे के ऊपर आप बटर देंगे तभी खाएंगी, वैसे नहीं खा सकती बिना बटर का। तो मेरे हस्बैंड बोले कभी तुम भी खाए थे ऐसे गांव में, हमके गांव में हमने बटर तो सुना ही नहीं था, घी जानते थे, घी खाए थे, घी मट्ठा दूध यही सब खाए थे, बटर तो यहाँ आके दिल्ली में पता चला कि बटर भी खाते हैं, बटर भी होती है, गांव में कहाँ बटर होता है, गांव में तो घी दूध हर चीज़ देसी चीज़ मिलता है, शहर वाले क्या जाने, जो गांव में रहते हैं वही जानेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे पराठा बन के रेडी हो गया है। अब मैं थोड़ा सा कैमरा देख रही थी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है। तो देखिए एक पराठा हमारा रेडी हो गया है, इस तरीके से हम दूसरा पराठा बनाएंगे सेम प्रोसेस से। हमने रोटी की तरह बनाया है, फिर कटोरी की तरह बनाया, उसमें फिलिंग को फिल किया, उसको फिर उसका मुंह बंद करके अब देखिए इसमें हम स्पून की हेल्प से तेल भी लगा लेते हैं। देखिए हमारा कितना फूला फूला बन रहा है, आप तवा पर नज़र डालिए और देखिए कितना अच्छा से हमारा पराठा फूला हुआ है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका भी पराठा एकदम खिला खिला बनेगा, फूले फूले बनेंगे। देखिए और तो ऊपर से उतरते ही आप खाइए, अब बहुत टेस्ट लगता है, और ऊपर से बटर डालना चाहे बटर डाल लीजिए। और हमारे गांव में तो खीर के साथ सर्व करते हैं, और यहाँ तो दही से या क्या नाम है अचार से खाते हैं। हमारे यहाँ खीर बनता है, चाहे सेवइयाँ बने, कुछ बनता है मीठा चीज़ गांव में। देखिए हमारा दूसरा पराठा भी बन के रेडी हो गया है, देखिए वाह कितना अच्छा फूल रहा है भाई, नज़र ना लगे, मेरी ही नज़र ना लगे मजाक कर रही हूँ। देखिए हमारे यहाँ दो पराठा बन गए हैं, इस तरीके से हम सभी पराठे को एक एक करके बना लेंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा बनाने का तरीका, और ये आप बताइए कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आपको थैंक यू बोल पाएँ। और आप वीडियो वॉच करते हैं उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी सोचती हूँ मैं भी कितना अच्छा मेहनत करूँ और ताकि आप लोग को अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। देखिए यहाँ हमारा सब कुछ बन के रेडी हो गया है, और यहाँ पर खीर बन गई है, खीर को थोड़ा सा ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देंगे,
और हमने पराठे के ऊपर डाल दिया है बटर। देखिए हमारा खीर और पराठा बन के रेडी हो गया है। देखिए कैसा लगा आपको। देखिए हम यहाँ पर हम खाने जा रहे हैं, तो आप भी आ जाइए, ज्वाइन करिए खाना है जिसको। देखिए तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर से लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।